जैसे कि 2-3 दिनों से हम लोग बोल रहे हैं कि उच्चारण की इम्पोर्टेंस कितना है हिंदी में, अगर उच्चारण ठीक ना हो तो बच्चे लिखेंगे कुछ और उसका अर्थ ही बिगड़ जाएगा, चेंज हो जाएगा, बिगड़ेगा नहीं, बिल्कुल चेंज हो जाएगा इसको मन में रखते हुए, ये जबकि और की का जो अंतर है इसके बारे में प्रेजेंट कर रही हूँ। तो की का अर्थ है हो दैट, आई टोल्ड दैट, मैंने कहा कि, आई हर्ड दैट, मैंने सुना कि, ये जो की होता है इसका अर्थ है दैट। की कब प्रयोग होता है? जब दो वाक्यों का जो मेल होना है, दो वाक्यों को जो जोड़ने का प्रयास जो होता है, उस समय की का प्रयोग होता है। तो की का प्रयोग हमेशा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं, हमेशा की वाक्य के बीच में ही आता है, और अगर हम की शब्द को निकालेंगे तो हमें दो अलग अलग वाक्य हमें मिल जाएंगे। तो की इज ऑलवेज यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस टुगेदर। ओके, थोड़े उदाहरण देखेंगे। मैंने कहा कि तुम घर चले जाओ, तो यहाँ पर की बीच सेंटेंस के बीच में आ रहा है, वो एक बात है, और अगर की को हाइड करेंगे तो हमें दो अलग अलग सेंटेंस मिलेंगे। मैंने कहा, एक अलग सेंटेंस हो गया, तुम घर चले जाओ, दूसरा सेंटेंस हो गया, तो ये की जोड़ने पर दैट का यूसेज मिलता है। मैंने कहा कि तुम घर से घर चले जाओ। दूसरा एग्जांपल, मेरी माता जी ने कहा कि तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए। अगेन दिस आल्सो, अगर हम देखेंगे तो ये दो अलग सेंटेंस हैं। मेरी माता जी ने कहा, एक सेंटेंस है, तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए, दूसरा सेंटेंस। तो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए की का प्रयोग किया जाता है। मेरे शिक्षक ने कहा कि अब तुम गाना गाओ, सो इसी तरह मेरे शिक्षक ने कहा, एक सेंटेंस, अब तुम गाना गाओ, तो बन गया की का प्रयोग। की हमेशा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, की को निकालने पर हमें दो अलग अलग वाक्य मिल जाएंगे, तो इसका मतलब है दैट। की का प्रयोग दो वस्तुओं में से एक को चुनने के लिए भी करते हैं। की का प्रयोग या वाले स्थान पर भी किया जाता है, और और के प्रयोग में। तुम्हारे पास हिंदी किताब है कि अंग्रेजी किताब, सो दिस यू हैव दिस और दैट, और का प्रयोग जो है ओ आर, और अंग्रेजी का और का प्रयोग जो है उसके बदले में, उसके स्थान पर की का प्रयोग करते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल, तुम्हें केला चाहिए कि सेब, यू वांट बनाना और एप्पल। तो यहाँ पर दो चीजों के बीच में चॉइस की बात जब होती है वहां पर भी की का प्रयोग करते हैं। तुम्हें लाल पसंद है कि हरा, तो यहाँ पर भी दो हैं चॉइसेस, चॉइसेस को चूज करने के लिए हमें की का प्रयोग करना है। अब जाते हैं की वैसे तो हम जानते हैं कि की एक विभक्ति है ना, संबंध कारक में कर्ता ने कर्म को इसमें पढ़ा था, तो वहां पर की संबंध जोड़ने, संबंध बताने के लिए, मेरी बहन, माँ की बेटी, पिताजी की तस्वीर, समथिंग बिलोंगिंग टू समबडी, एंड संबंध जोड़ने के लिए हम की का प्रयोग करते हैं। यह दीर्घ की है, की का अर्थ है अपोस्ट्रोफ एस, मीन्स पोसेसिव, किसी का होना, किसी के पोसेशन में होना, की इस अर्थ पर प्रयोग होता है। की एक परसर्ग है जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग शब्दों के लिए ही किया जाता है। ओके, इट्स अ पोस्ट पोजीशन। यह राम की किताब है, तो यहाँ दिस किताब बिलोंग्स टू राम,
So Ram's, that apostrophe S is something possessive. किसी के possession में होना, तो ये राम की किताब है, ये रोहन की दादी जी हैं, तो रोहन belonging to रोहन, possessed by रोहन, उस अर्थ में बनता है। यह वैभव की पतंग है, यहाँ पर भी this पतंग belongs to वैभव, तो की का प्रयोग होता है। ओके, तो यहाँ पर की क्यों प्रयोग होता है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है पतंग है वो स्त्रीलिंग में है, तो इसीलिए हमने कहा कि हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। ओके, नाउ इसके अतिरिक्त हम की का प्रयोग कहाँ करते हैं टीचर्स, एक और जगह में करते हैं जो ये पावर पॉइंट में नहीं आया है, कोई बता सकता है कि, मैं आई स्टॉप शेयरिंग नाउ। मैंने सेवा की, मैंने गरीबों की सेवा की, वहां पर की का प्रयोग क्यों होता है, करने के यूज में मैम, कर का भूतकाल किया भी होता है, मैंने पढ़ने का प्रयास किया, हाँ वहां पर किया क्यों होता है, हाँ कुछ ऐसे क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं हैं जो स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करते हैं हम लोग, जैसे कि सेवा, गरीबों की सेवा, माँ की मदद, मदद स्त्रीलिंग है, मदद का प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग में होता है, राजा ने लड़ाई की, लड़ाई स्त्रीलिंग होता है, तो कभी कभी कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग हमेशा हम स्त्रीलिंग में ही करते हैं, तो वहां पर भी की का प्रयोग होता है। तो हमने तीन की का प्रयोग देखा, एक तो जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दूसरा जो की है वो पोसेशन के लिए, किसी का पोसेशन हो, apostrophe is mine, Ramas, Gopals, इस तरह, जबकि वहां पर ऑब्जेक्ट स्त्रीलिंग में हो वहां पर की का प्रयोग होता है। और तीसरा जो है, जो पावर पॉइंट में नहीं आया, वो मुझे लगा जैसे मैं देख रही थी पावर पॉइंट को, मुझे लगा यहाँ पर भी की एंड में होता है, क्रिया के साथ हम कभी कभी हम की का प्रयोग करते हैं, जबकि क्रिया शब्द, वो जो क्रिया का प्रयोग होता है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, तो किया की का प्रयोग करते हैं, ये तीनों जगहों में हम की का प्रयोग करते हैं। ओके, ये हुआ की और की का प्रयोग। किसी ने पूछा था इसके बारे में, तो उषा मैम ने पावर पॉइंट भेजा था आपको दिखाने के लिए, सो थैंक यू उषा मैम फॉर गिविंग अस दिस पावर पॉइंट। तो आगे नेक्स्ट इट इज, किसी ने मैम से और के अंतर किसी ने पूछा था, तो मैम ने इसको भेजा आपको दिखाने के लिए, और दोनों में अंतर क्या है, और मीन्स एंड, वाक्यों और शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और वाक्यों को जोड़ने के लिए भी होता है प्रयोग, शब्दों को जोड़ने के लिए भी होता है, जैसे कि शब्दों को जोड़ने के लिए बोली, एक सेंटेंस कोई बोलेगा, दो शब्दों के को जोड़ने के लिए और का प्रयोग, कैन somebody give me an example? राजा और रघु पैदल चल रहे हैं और के लिए, वेरी गुड मैम, उस ओर कुछ दिखाई दे रहा है। ओके मैम, आप बोलिए और के लिए, और के लिए, हाँ ओके, और के लिए, ठीक है मैम, प्लीज बोलिए मैम। राम और रघु मैदान में खेल रहे हैं। सुपर्ब सर, थैंक यू सर। आई बाजार से तरकारी और फल लाई। हाँ सुपर मैम, वेरी नाइस। अभी बन गए ये दो शब्दों को जोड़ने के लिए, वेरी गुड एग्जांपल्स। अभी कोई बोलेगा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए एक सेंटेंस, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए और का प्रयोग, हेलो हेलो जी, यस अभिलाष और राहुल कैंटीन की ओर जा रहे हैं, कैंटीन की ओर जा रहे हैं अभिलाष और राहुल। ओ आपने दोनों को एक ही सेंटेंस में डाला, बढ़िया सर। अभिलाष और राहुल
कैंटीन की ओर जा रहे हैं। एक अच्छा सेंटेंस ऐसा है, बढ़िया सेंटेंस। कुछ और मिलेगा मुझे? कल्याणी जी मैम बोलिए। मैम नहीं बताऊं जी, मेरे पिताजी चेन्नई से आ रहे हैं और उसके साथ मेरे मामा जी भी आ रहे हैं। वेरी गुड मैम। मेरे पिताजी चेन्नई से आ रहे हैं और उनके साथ मेरे मामा जी भी आ रही हैं। ये जो सेंटेंस कल्याणी मैम ने अभी कहा वो है दो वाक्यों को जोड़ने में और का प्रयोग। तो शब्दों को जोड़ने के लिए राम और श्याम खेल रहे हैं, वाक्यों को जोड़ने के लिए दो अलग अलग वाक्य हैं। मेरे पिताजी चेन्नई आ रहे हैं, मेरे मामा जी चेन्नई आ रहे हैं। तो मेरे पिताजी चेन्नई आ रहे हैं और उनके साथ मामा भी आ रहे हैं। तो दो सेंटेंस का जोड़ जो है वो और से बनता है। थैंक यू टीचर्स, अच्छे एग्जाम्पल्स आपने दिए। देखिए यहाँ पर मोहन और सीता हंसते हुए स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग है। राम और श्याम पढ़ रहे हैं, एंड का प्रयोग। मुझे फल और सब्जी खाना अच्छा लगता है, आज मैंने दाल और चावल खाए। ये सब बन गया और के सेंटेंस। मेरे घर कल चाचा जी और मामा जी आए थे, तो यहाँ पर दो वर्ड्स के सेंटेंसेस, दो वर्ड्स के जो को जोड़ने में और तो सेंटेंसेस को जोड़ने में भी, जैसे कि कल्याणी मैम ने बताया, सेंटेंस को जोड़ने में भी और का प्रयोग होता है। अभी देखते हैं आगे। और मीन्स टूवर्ड्स, किसी डायरेक्शन को, किसी डायरेक्शन को बताते हुए और का प्रयोग होता है। जब हम और का प्रयोग करते हैं हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, और के आगे हमेशा की इक प्रयोग आएगा। उसकी ओर, मेरी ओर, हमेशा और के साथ की का प्रयोग होगा। मैं जंगल की ओर जा रही हूं, तुम मेरी ओर मत देखो। तो मैं प्लस की, मेरी, हमेशा और के साथ आगे, और शब्द के आगे दिशा को दिखाते हुए, दिशा को डायरेक्ट करते हुए, हुए तरफ, किसी तरफ, डायरेक्शन को, किसी साइड को, किसी डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम और का प्रयोग करते हैं। और ये जो और है उसके पहले हमेशा ई एंडिंग में ही सर्वनाम आएगी। मेरी ओर, तुम्हारी ओर, रामू तुम्हारी ओर आ रहा है, रामू तुम्हारी ओर गेंद फेंकता है। तो हमेशा और के आगे ई एंडिंग ही रहेगा, ये जरा ध्यान में रखें। हम ये नहीं बोलेंगे मेरा ओर, हमेशा मेरी ओर ही है। ओके, देखिए सोनू हमारी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। हमारी, हम प्लस की, और हमेशा की ओर ऐसे क्या आएगा। सो हम प्लस की हमारी, सोनू हमारी ओर दौड़ता आ रहा है। कपिल बाजार की ओर जा रहा है। ऑलवेज और के पहले वाला जो शब्द है, और के आगे जो शब्द है वो हमेशा ई एंडिंग में होगा। हमारी, तुम्हारी, मेरी, की, इस तरह आएगा। आगे एक सेंटेंस, तुम मेरी ओर क्यों देख रहे हो। मेरी ओर, मैं प्लस की, मेरी। ओके, आगे राम सोहन की ओर मत देखो, अपना काम करो। तो यहाँ पर भी देखे, जैसे हमने चार वाक्यों में देखा हमेशा और के पहले जो प्रयोग है सर्वनाम के साथ होगी, तो वहां पर की का प्रयोग भी होगा सर्वनाम के साथ, नहीं तो केवल की का प्रयोग आएगा। यह जरा ध्यान में रखना। तो बन गया ये और के अंतर। और का मतलब है एंड, और का मतलब है टूवर्ड्स, टू अ डायरेक्शन, टू अ साइड, टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी दिशा को। मैडम रोहन समुद्र की ओर जा रहा है, रोहन की नहीं आएगा ना, रोहन समुद्र की ओर जा रहा है।
रोहन समुद्र की ओर जा रहा है, करेक्ट सेंटेंस है सर, परफेक्ट की ओर, परफेक्ट है सर, रोहन समुद्र की ओर जा रहा है, वो उस डायरेक्शन में, उस दिशा में जा रहा है, की ओर, करेक्ट है, रोहन और अनिल समुद्र की ओर जा रहे हैं, तो वहां पर इस सेंटेंस पे और दोनों का प्रयोग है, रोहन और अनिल समुद्र की ओर जा रहे हैं, ओके, तो की ओर इज ऑलवेज गिविंग अस अ डायरेक्शन, गिविंग अस अ साइड, किसी साइड में जाना, किसी ओर जाना, किसी दिशा में जाना, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं ओर, और इज यूज फॉर द मीनिंग ऑफ एंड, एंड के प्रयोग में हम करते हैं। एक और प्रयोग है और के लिए, मुझे अभी सूझा, वो पावरपॉइंट में नहीं है, कैन यू टेल मी टीचर्स, देयर इज वन अनदर मीनिंग फॉर और, और और या और के लिए मैम, और एंड, एंड का जो यूज होता है ना, और, हाँ नॉट और, और वेरी सिंपल, हम मुझे और एक कलम दीजिए, मुझे और एक कलम दीजिए, और वेरी गुड मैम, बहुत बढ़िया, मुझे और एक कलम दीजिए, गिव मी वन अनदर, वन मोर, वन मोर, और वन अनदर, देयर इज वन अनदर मीनिंग फॉर दिस, अनदर, देयर इज वन अनदर मीनिंग फॉर और, हु कैन टेल मी, इसके अतिरिक्त एक और मीनिंग है, यू कैन टेल मी, मुझे और एक कलम चाहिए, करेक्ट, मुझे और एक कलम चाहिए, अभी हमने तीन देख लिया, दो देख लिया, और इज यूज फॉर एंड, रामू और सोमू, उसमें एंड का प्रयोग, मुझे और एक कलम चाहिए मीन्स वन मोर, वन अनदर, देयर इज वन मोर यूज ऑफ और, तीसरा भी एक है, वो ये पावर पॉइंट में नहीं आया, कैन समबडी टेल मी, एक और है, एक और है, वन अनदर यूसेज ऑफ और, हम प्रयोग में मैम सुमिता मैम बोल रही है, मैम मुझे और चावल चाहिए, ज्यादा मोर, दैट्स व्हाट, वन अनदर, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, और चावल चाहिए, एक्स्ट्रा, वो दूसरा हो गया, और कुछ बोलिए, हाँ दैट्स आल्सो समथिंग मोर, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा के मैन, वन मोर, तीसरा, हमें औरों की चीज चुराना नहीं चाहिए, वेरी गुड, सुपर मैम, औरों, औरों मींस अदर्स, अदर्स, औरों की बात सुनो, औरों से मत बोलो, औरों की चीजों को हमें छूना नहीं चाहिए, वेरी गुड मैम, थैंक यू कृष्ण कुमारी मैम, तो और के तीन मीनिंग है, एक्चुअली पावर पॉइंट में केवल एक ही मीनिंग का प्रयोग हमने किया है, और के तीन मीनिंग्स है, एक तो एंड का प्रयोग है, दूसरा मोर, asking for some more, और मुझे और चावल दो, मुझे और पानी चाहिए, तीसरा जो है औरों को, others, बहुतों को refer करने के लिए, औरों के बारे में मत बोलो, औरों की बातें मत सुनो, औरों से झगड़ा मत करो, इस तरह का प्रयोग और से होता है, तो तीन प्रयोग होते हैं और के, और is only one usage, that is towards, to the direction of, to the direction, to the side of, okay? कोई शंका है किसी को इसमें? थैंक्स टू उषा मैम फॉर गिविंग अस दिस पावर पॉइंट अगेन, दिस आल्सो मैम ओनली फॉरवर्डेड टू मी, तो आगे नेक्स्ट चलते हैं, तो है और है का जो इस यही से मैंने पढ़ा था, वो घर जाता है सेंटेंस में एकवचन का प्रयोग है, कर्ता एकवचन में है, तो ये सामान्य वर्तमान काल में है, तो है हम वर्तमान काल में प्रयोग होता है, वो जाता है, वो नृत्य करती है, बहुवचन में है का प्रयोग, बिंदु जो आएगा वो केवल बहुवचन में ही आएगा, और अतिरिक्त बहुवचन है, आदर सूचक भी है, जब हम किसी को आदर देने की बात प्रकट करने का बड़ों के लिए, वहां पर बड़ों के लिए, एग्जैक्टली मैम, अध्यापक पाठ पढ़ा रही है, अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं, अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है, तो वहां पर आदर देने के लिए, हिंदी में एक ऐसी भाषा है, यहाँ पर तुम और आप का प्रयोग होता है, तुम तो हम अपने स्तर के लोगों से उनके साथ प्रयोग करते हैं, पर अंग्रेजी में यह सुविधा नहीं है, यू वी यूज फॉर एवरीबडी, जो भी सामने है उनको
को रेफर करने के लिए मयूर का प्रयोग करते हैं, बड़े छोटे अंतर नहीं है, पर हिंदी में ये अंतर हम दिखाने के लिए हम तुम और आप का प्रयोग करते हैं, तू का प्रयोग भी हम करते हैं। तू कब करते हैं टीचर्स, तू का प्रयोग कब होता है? तू विदाउट रेस्पेक्ट लाइक छोटे लोगों के लिए, छोटों के लिए। करेक्ट, वेरी गुड मैम। हमसे बहुत छोटे जो है तू का प्रयोग करते हैं, पर आजकल ये तू का प्रयोग बहुत कम होने लगा। वी ऑलवेज टेल एवरीबॉडी रिस्पेक्ट एवरीबॉडी एल्स। यस मैम, छोटों को भी आज बच्चों को भी आजकल रेस्पेक्ट से ही बुलाते हैं। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। तो आजकल नॉर्मल लैंग्वेज यूज में हम तू का प्रयोग कभी कभार करते हैं। तू का प्रयोग हम ईश्वर को विद लॉट ऑफ यू नो ईश्वर को हम संबोधित करते हुए हम तू का प्रयोग कभी कभी करते हैं। टू जस्ट टू ब्रिंग द इफेक्ट ऑफ आई एम वेरी क्लोज टू गॉड, उस कनेक्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए हम तू का प्रयोग कभी कभी करते हैं। कवि लोग करते हैं तू का प्रयोग अपनी कविताओं में, पर आजकल तू का प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। आप बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, तो आप आदर सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं। ओके मैम, वैसे ही मैं के लिए भी बहुत सारा खुद के लिए मैं की जगह हम का यूज करते हैं। हम भी यस, खुद को स्वयं को रेस्पेक्ट देने के लिए, खुद को रेस्पेक्ट देने के लिए। पुराने जमाने में राजा रानी हम पुराने सिनेमा ये देखते हैं ना, सिनेमा देखे रानी राजा हम बोलते हैं। आजकल हम भी बोलने लगे हम का प्रयोग करने लगे, एक्सेप्ट हो गया हमारी सोसाइटी। गलत तो बिल्कुल नहीं है ना, पक्का। तो आगे मैं और मे का अंतर, ये भी वेरी ट्रिकी है। हम सब जानते हैं, बच्चों को प्रयोग कर करके ही उनके मन में ये बात इस बात को बिठाना है कि मैं सॉरी सर, my meaning is I meaning I not correct, my meaning is in I and in correct sir, perfect sir, perfect sir। मैं अपने बारे में बोला जाता है, मैं शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। मैं आम खाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, मैं साइकिल से विद्यालय जाता हूँ। एक छोटा सा क्लू बता सकते हैं, मैं का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में होता है मोस्टली। ओके, तो ओनली व्हेन देयर इज अ डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस, वहां पर ही अम्मा ने कहा मैं नहीं आऊंगी, तो वहां पर बीच में आएगा। पर जनरली मैं का प्रयोग, व्हेन आई एम यूजिंग आई, मैं का प्रयोग सेंटेंस के आगे में शुरू होता है। और मैं किसी के अंदर होने के बारे में बताना है, इन वो स्कूल में खेलता है, घड़े में पानी नहीं है, बच्चे कक्षा में बैठे हैं। तो किसी चीज के किसी के अंदर होने का प्रभाव डालने के लिए मैं का प्रयोग, मैं और मैं। स्लाइट चेंज इन द प्रोनाउंसिएशन, वेरी 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 स्लाइट चेंज, मैं मैं, इस तरह का वेरी स्लाइट चेंज। तो बच्चों से बोलवाते वक्त, उच्चारण करवाते वक्त इसका ध्यान। आगे चलो। हाँ मैम, ये हुआ र के विभिन्न रूप, जो आज मैं दिखा रही हूँ ये सब टीचर्स का रिक्वेस्ट था कि आई डोंट नो विच फ्रॉम विच स्कूल द रिक्वेस्ट केम, हमसे बताया गया कि ये सब हमें आज इन सेशंस में कवर करना है। तो मैंने यस, लास्ट डे होने के कारण मैंने सोचा इस जो भी छूट गया उसको एक पीपीटी में करा दो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो आप आज बता रहे हो ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों बहुत रहता है डाउट बच्चों को, ये जो आपने बताया ना आज की मैं, इनमें बच्चों को बहुत डाउट रहता है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे बोलते वक्त, उनको क्लैरिटी नहीं होती, क्लैरिटी होते पर लिखते हैं तब भी तो गलती करते हैं, स्पेलिंग की गलती करते हैं, क्योंकि उनको प्रयोग में कहाँ क्या आना है, वो बोलते वक्त उनको प्रॉब्लम नहीं है, बोल लेते हैं, लिखते वक्त ही ये सब मिस्टेक्स एविडेंट हो जाते हैं। तो र के विभिन्न रूप, पूर्ण र का प्रयोग, जैसे राजस्थान, बिखरा, रसीला, रंग बिरंगा, यह पूर्ण र है, कंप्लीट र नॉर्मली कहीं पर भी प्रयोग होता है, शुरू लेटर के वर्ड के
बीच में, शुरू में, अंत में, कहीं पर भी आ जाता है। ये जो रेप है, ये शब्द जो है, ये जिस अक्षर के ऊपर लगाया जाता है उस अक्षर को पूर्ण रूप से और रेप को अर्ध उच्चारित किया जाता है। जैसे कि देख लीजिए, बर्फ, बर्फ, जिस अक्षर के ऊपर वो रेप है उस अक्षर को पूर्ण रूप से हम यूज करते हैं और रेप को अर्ध आधा उच्चारित करते हैं। यहाँ पर बर्फ जो है लेटर एंड होता है तो आधा ही होगा, बट इर जो बीच में आता है, जैसे कि हार्दिक, हार्दिक, दी के ऊपर रेप है तो दी पूरा, पूरी तरह हम दी का प्रनाउंस करेंगे और रेप को इर, हा इर दिक। ये जो रेप की बात है, ये रेप अगले लेटर के ऊपर लगता है। बच्चे, बच्चों को समझाते वक्त पहले ही जब इंट्रोड्यूस करते हैं तभी ही बोल देंगे थे, ये जो रेप है वो नेक्स्ट लेटर पर ही लग जाता है ऊपर, जैसे एक पोनीटेल की तरह हम लगाते हैं। तो सेंटेंसेस में, सॉरी वर्ड्स में, बर्फ, गर्मी, कुर्सी, दर्द, हार्दिक, इस तरह इर का प्रयोग होता है जिस लेटर के ऊपर रेप उस को पूरे पूरा उच्चारित किया जाते और रेप को अर्ध उच्चारित करते हैं। ओके, अगला जो है पदेन, पदेन इसको अक्षर के पद के साथ अर्थात सबसे नीचे लगाया जाता है। इसका पदेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लेटर के एंड में, एंड बेस में आता है, पद में आता है, इसलिए पदेन बोलते हैं। पदेन को भी पूर्ण र उच्चारित किया जाता है, जिस अक्षर पर लगता है उस अक्षर को अर्ध या पहले उच्चारित किया जाता है। जैसे कि ट्रक, ट्रक, ड्रम, ड्राइवर, ड्रामा, प्रभा, तीव्र, परिक्रमा, वज्र। तो अगर आप रिकॉल करेंगे तो द फर्स्ट क्लास मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। मेरे पास उस दिन दो बोर्ड था पीछे, तो आज मेरे पास बोर्ड नहीं है घर में। तो र जहां पर खड़ी पाई कंप्लीटली हो वहां पर लेफ्ट साइड में र का उपदेन लगाते हैं, जहां पर बिल्कुल खड़ी पाई नहीं हो ऐसे लेटर्स में, लेटर के एंड में, बेस में एरो की तरह हम डालते हैं, तो यह र का तीसरा रूप हो जाता है। ओके टीचर, कैन यू रिकॉल व्हाट आई टॉट यू द अदर डे? फर्स्ट डे मैंने कुछ बताया था खड़ी पाई, खड़ी पाई में कैन यू शेयर स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड दिखा सकती हूँ, एक मिनट, आई ट्राई टू शो, वन मिनट। जैसे कि हिंदी में, हिंदी अक्षरों में खड़ी पाई जो है वो स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं ना, लाइक जैसे कि च, म, प, तो ये स्टैंडिंग लाइन है। सभी लेटर्स में ये लाइन जो है ये स्टैंडिंग लाइन बोलते, खड़ी पाई, पाई मींस लाइन, खड़ी पाई स्टैंडिंग लाइन। ओके, तो ऐसे लेटर्स जहां पर खड़ी पाई होती है वहां पर र को लेफ्ट साइड में एक छोटा सा लाइन खींच कर छ्र, म्र, प्र, इस तरह लिखते। जहां पर लेटर्स में स्टैंडिंग लाइन पूरा नहीं होता, अर्ध होता है, जैसे कि द लेटर ट, ह, ड, ढ, ऐसे अक्षरों में पूरा खड़ी, पूरी खड़ी पाई नहीं है तो यहां पर नीचे एरो डालते हैं। यह बन गया ट्र, ठ, ड्र, ठ। ओके, यह जो लेटर द है, द के लिए खड़ी पाई बहुत छोटी है पर द्र हम यहाँ पर करते हैं, साइड में डालते हैं, जबकि यहाँ पर हाँ पदार्थ, यस द्रवित, दरिद्र, करेक्ट, दरिद्र, द, रि, द्र, दरिद्र। ओके, तो यहाँ पर द के लिए पूरी खड़ी पाई तो नहीं है,
अगर आप लेंगे द लेटर देखेंगे तो यहाँ पर द पूरी खड़ी पाई नहीं है, पर यहाँ पर जो टेल पूंछ जो आती है नीचे वहां पर एक लाइन साइड में खींचने पर यह द हो जाता है। ओके, तो इस तरह ह जो है यह भी अलग तरीके से लिखते हैं, ह के लिए अंदर इस तरह लिखते हैं। दीज आर अ फ्यू एक्सेप्शंस, बाकी सब लेटर्स के लिए जहां पर पूरी खड़ी पाई है वहां पर लेफ्ट साइड में करते हैं, जहां पर खड़ी पाई बहुत छोटी है वहां पर लेटर के एंड में बेस में एरो डालते हैं। ओके, तो इस चिन्ह को हम बोलते हैं पदेन। ओके टीचर्स, समझ में आई बात? हाँ मैम। यस, थैंक यू। तो शिक्षण सामग्री के कुछ शिक्षण सामग्री होते हैं हमारे टीचिंग एड्स, उसके कुछ नमूने मैंने यहाँ पर लिए हैं। मात्रा के लिए सभी मात्राओं की पुनरावृत्ति के लिए इस तरह हम दे सकते हैं। ओके, तो आ ई ई ऊ ओ सबके लिए डब्बा बनाकर उसको एक साथ करेंगे और क्लास में डालेंगे तो पढ़ने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए रेफरेंस की तरह रह जाएगा क्लास। तो ये टीचिंग एड बनेगा, मात्राओं के लिए इस तरह का टीचिंग एड बना सकते हैं। इस तरह महीनों के नाम, दिनों के नाम, रंगों के नाम, इस तरह हम, यह एक तरीका है। इट्स हाउ यू क्रिएटिवली डू टीचर्स, इसी को हम वी कैन मॉडिफाई दिस एंड मेक इट फॉर सम अदर कंटेंट। सो इस तरह हम मॉडिफाई करके कर सकते हैं, जानवरों के नाम इस तरह हम कर सकते हैं। ये सब एक्स्ट्रा है, महीनों के नाम दिनों के नाम तो हमारे रीडर के अंतर्गत नहीं आएगा, तो हम एक्स्ट्रा देंगे ना उसमें इसका प्रयोग हो सकता है। और यह एक बहुत अच्छा एक्टिविटी है टीचर्स, आजकल अमेजोन में, हमारे स्कूल में अमेजोन में हमने खरीदा था अमेजोन से लेटर्स, वुडन लेटर्स, वुड से बना हुआ लेटर्स। ओके, कैसा है, सभी स्वर के लेटर्स स्मॉल स्मॉल कटआउट्स की तरह होते हैं, व्यंजनों के अलग से होते हैं और मात्राएं अलग से दे देते हैं। तो हम सबको एकत्रित करके एक टेबल पर हम लगा देंगे तो बच्चा आकर, अगर मैं बोलूंगी I ask the child to frame a word, जो मैं बोलती हूँ उसको frame करना चाहिए। For example, मान लीजिए मुझे ऐसा एक शब्द है बुलबुल, मुझे यह वाला वर्ड बच्चे से लिखवाना है। तो टेबल पर मैं सभी ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं उसको लगा दूंगी, बच्चा उसमें मैं बुलबुल बुल बोलूंगी बस, अच्छा क्या करेगा, ब निकालेगा, उ मात्रा निकालेगा, बू लिखेगा, फिर ल ल डालेगा, ल निकाल कर डालेगा, फिर अनदर बू उ मात्रा अनदर ल, तो बुलबुल शब्द वो बनाएगा। तो ये पुनरावृत्ति में या असेसमेंट के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं। वी हैव इंटरनल असेसमेंट है ना, हमारे यहाँ तो इंटरनल असेसमेंट चलता है, 20 मार्क के लिए इंटरनल असेसमेंट है। तो यहाँ पर खेल खेल में खेलते खेलते हम बच्चों को इस तरह, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चे बहुत इंटरेस्ट से करते हैं। ओके, ग्रुप एक्टिविटी की तरह भी हम कर सकते हैं, बोर्ड पर बहुत सारे वर्ड्स लिखकर बच्चों से वर्ड को बनाने के लिए बोलेंगे, देख देख कर बनाएंगे पहले, फिर सुन सुनकर बनाएंगे, पहले देख कर बनाने की क्रिया होगी, बाद में हम सुन सुनकर क्रिया करने के लिए बोलेंगे। और तीसरा ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे लेटर्स मात्राएं सब देंगे, बच्चा खुद अपने शब्द भंडार में जो वर्ड है उसको बनाएगा, हर एक का अपना वोकैबुलरी होता है ना, तो बच्चों के वोकैबुलरी के मुताबिक बच्चा खुद देगा। मान लीजिए यहाँ पर एक बोर्ड पर चिपकाया है बहुत सारे कटआउट्स, तो इससे हम कैसे शब्द बना पाएंगे? कैन वी अटेम्प्ट टू डू सम वर्ड्स टीचर्स, कैन वी ट्राई, कैन वी ट्राई, बल्ला क्या कहो गणित बनाया है तेज, इसके अतिरिक्त आप क्या बना पाएंगे इसमें से लेटर्स को लेकर? मात्राएं हैं, लेटर्स भी हैं, कैन वी मेक सम वर्ड्स, क्रिया नहीं मैम, क्रिया नहीं हो सकता, बुद्धि, कैन वी मेक बुद्धि, ब है, उ मात्रा है नीचे, इध है, इ मात्रा है, बुद्धि, बिल्ली,
बिल्ली, हाँ देखिए ब है, ई मात्रा है, हाँ क्रिया, क्रिया भी कर सकते हैं मैम, हाँ वेरी गुड क्रिया, वेरी गुड, नीचे ई की मात्रा है ऊपर या है, वेरी गुड क्रिया, या वेरी गुड। तो इस तरह वी कैन आस्क चिल्ड्रन टू मेक वर्ड्स। हाँ बोलिए मैम। महल, महल, म ह ल, वेरी गुड मैम, यस। तस्वीर, त है क्या, त इस व कहा है, आ व ई मात्रा र, बढ़िया मैम, थैंक यू। अच्छा तस्वीर, प्रणाम, 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 प्रणाम है, आ न आ मात्रा है, सुपर्ब सर, थैंक यू। अमेरिका, 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 अमे र ई मात्रा, सुपर्ब मैम, अमेरिका, वेरी गुड मैम, सुपर्ब। कवि मैम, कवि, कवि, क वि, यस थैंक यू, सुपर्ब सर। मैम प्रयोग, मैम प्रयोग, प्र य ओ मात्रा, ओ मात्रा है क्या, यो, ओ मात्रा है क्या मैम, ए है, ओ मात्रा नहीं है मैम, मुझे नहीं दिख रहा है, गाड़ी, गाड़ी का ही और मात्रा है, हाँ ओ मात्रा है, कहो के लिए है ओ मात्रा, प्रयोग, सुपर, तरकारी, विद्यालय, तरकारी, 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 यस मैम, मैम अतः, अतः, अतः विसर्ग, अतः, अतः, अतः मैम, अतः, उल्लास, 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 वेरी गुड मैम। लेकर कीजिए ना क्रिटिचर्स, अनुस्वार है, अनुस्वार को लेकर कुछ कीजिए, चंद्रबिंदु को लेकर कुछ कीजिए, प्रातः, प्रातः, वेरी गुड, प्रातः, वेरी गुड, न नमः, सुल्लु, नमः, वेरी गुड, नमः, नमः, वेरी गुड, नमः, वेरी गुड मैम, अंगूर, 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 वेरी गुड, अंगूर, मैं बोलने वाली थी आपने बता दिया, मैं मुझे बस लगा अंगूर, मैं बोल रही हूं, विद्यालय, विद्यालय, अमर, विद्यालय, उंगलियां, उंगलियां, उंग, हां उंगलियां, वेरी गुड मैम, वेरी गुड। तो देखिए कितने सारे वर्ड्स आप बोल पाते हैं, सो मान बच्चों को इस तरह हम देंगे तो इमेजिन द अमाउंट ऑफ वर्ड्स वी विल गेट बैक फ्रॉम देम, दे विल रियली एंजॉय, चिल्ड्रन, टीचर्स, चिल्ड्रन, आई एम सॉरी, चिल्ड्रन विल डेफिनेटली एंजॉय, इस तरह का सोच सोच कर बहुत कुछ बोलेंगे। तो ये उनके शब्द भंडार, उनका शब्द भंडार जो है उसको, उसका, उसकी जांच के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह हम कुछ लेटर्स को क्वेश्चन पेपर में केवल लेटर्स देंगे, उनको शब्द लिखने के लिए बोलेंगे, सार्थक शब्द, सार्थक शब्द लिखने के लिए बोलेंगे, तो वो भी, सॉरी मैम, सॉरी मैम, सुनी नहीं आपकी बात मैंने, किसी ने कुछ कहा पता नहीं, अलमास मैम किसने, नहीं कुछ मैं, मैं नहीं, आपने नहीं कहा पता नहीं, ओके आई एम सॉरी, मैं देख सुनी नहीं उनकी बात, सॉरी, नहीं आगे नहीं, कोई बात नहीं, आगे चले। हाँ ये बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है मैम, चक्का घुमाओ, ये पेपर प्लेन से बनता है, यहाँ पर ऑपोजिट्स, ये जो यहाँ पर लगाया है ये राज्य और राजधानी मिलाओ इसके लिए है, एक साइड आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं, दूसरे साइड आप आंसर्स घुमा घुमा कर, दे कैन मैच क्वेश्चन विद द आंसर, ऑपोजिट्स के लिए बन सकता है, लिंग के लिए बन सकता है, वचन के लिए बन सकता है, विलोम शब्द के लिए बनेगा, पर्यायवाची के लिए बन सकता है। तो यह आप बच्चों से इस तरह के एक्टिविटीज करवा भी सकते हैं, यू कैन आस्क देम टू मेक एंड कम, ओके, एक ग्रुप के लिए बोलेंगे शब्दार्थ, दूसरे ग्रुप के लिए बोले बोल सकते हैं पर्यायवाची, तीसरे ग्रुप के लिए विलोम, इस तरह डिवाइड करके देंगे तो आपको बहुत सारी सामग्री आ जाएगी, टीचिंग एड्स में बहुत अच्छा इजिली बना सकते हैं, और घुमा घुमा कर एक्साइटेड होंगे जब घुमा घुमा कर आंसर ढूंढेंगे और आंसर फिक्स करेंगे तो अच्छा लगेगा बच्चों, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, व्हील की तरह बनता है टीचर्स, वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, बच्चों से भी बनवा सकते हैं, ये जो है फिक्सिंग,
संयुक्त परिवार और एकल परिवार है, इस तरह टीचिंग एड में इसको भी बच्चों द्वारा खुद का फोटोज बनाने के लिए बोल सकते हैं. दिस इज ऑल्सो हम एक उदाहरण के तौर पर एक बनाकर उनको एक्टिविटी के तौर पर उनसे और भी बनाने के लिए बोल सकते हैं. ये हो गया. दिस इज ऑल्सो वन सच एक्टिविटी. ओके, रंगों को मैच करने के लिए ये क्रिया की एक्टिविटी है. क्रिया के लिए जो टीचिंग है इस तरह बन सकता है. अगेन आई वुड टेल, परिभाषा पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, पिक्चर्स को देखकर बच्चों से बोलवाइए. ओके, ये भी उसी तरह स्पिनिंग व्हील की तरह टीचर्स, ये भी ऑपोजिट्स के लिए सर्दी गर्मी, इस तरह लाभ हानि कम ज्यादा इस तरह ऊपर नीचे करके मैचिंग करना है. मगरमच्छ के बॉडी में ऑपोजिट्स को मैच करना है इस तरह. एक और दिस इज ऑल्सो वन अनदर ए, यह भी एक टीचिंग एड है जहां पर संज्ञा का इंट्रोडक्शन और रिविजन कर सकते हैं. ये हो गया टीचिंग एड. इसको बस मन में रखे, आप विभिन्न तरीके से हम कर सकते हैं. एक ही आइडिया को लेकर बहुत सारे विषय के लिए हम बना सकते हैं टीचिंग. लास्ट स्लाइड, हिंदी पाठ का जो योजना हम करते हैं ना, लेसन प्लान, लेसन प्लान में इन सब का होना अनिवार्य है, जबरदस्ती होना चाहिए. जैसे कि दिनांक दिन अवधि भी लिख सकते हैं. नॉर्मली हम सबके क्लास की अवधि होती है 40 मिनट्स का टाइम, और हफ्ते में हिंदी पीरियड 5 पीरियड मिलते हैं. हिंदी में 5 या 6, कुछ क्लासेस के लिए 6 मिलते हैं, कुछ कक्षाओं के लिए 5 मिलते हैं. तो वो सब आ जाएगा. विषय वस्तु प्रकरण, विषय वस्तु में आप लिखेंगे पाठ या कविता या व्याकरण. ओके, और अगर पाठ हो तो पाठ का नाम, जैसे कि तेनालीराम, पाठ तेनालीराम, या कविता मेरा भारत, ऐसा जो भी है उसके अंतर्गत विषय वस्तु में आ जाएगा. शिक्षण सामग्री, अगर आप कुछ टीचिंग एड्स बनाकर ले जा रहे हैं, प्लीज मेंशन इट इन योर लेसन प्लान. नहीं तो हमारी सामग्री में हम आ जाए, किताब तो आ जाएगी, शामपट आ जाएगा. और अगर आपने जिस तरह के चार सभी मैम ने, पत्रिकाएं चंद्रकला मैम और जीवा मैम ने और सुमिता मैम ने, तो सब आप लिख सकते हैं. शिक्षण सामग्री में आप लिख सकते हैं जो भी आप ले जा रहे हैं उसको लिख सकते हैं. सीखने की संप्राप्ति में आ जाएगा लर्निंग आउटकम्स. क्या इस विषय से आप बच्चों को समझाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है. अगर लेटर्स हो, हिंदी के लेटर्स हो तो हिंदी के शब्द जानना, उच्चारण जानना, लेखन जानना, ये सब. अगर कोई पाठ हो तो पाठ में से सक्रिय वोकैबुलरी, सक्रिय शब्दों का ज्ञान, शब्दों का प्रयोग. पाठ में बहुत सारे ऐसे शब्द भी हैं जो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं. सक्रिय इज वेरी एक्टिव वोकैबुलरी. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट को हम जब छूकर छोड़ देंगे, उसका असेसमेंट नहीं करेंगे, पर जो इम्पोर्टेंट यूसेजेस, इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, मीनिंग्स हैं, उसका हम जोर देकर पढ़ाएंगे, समझाएंगे और प्रयोग सिखाएंगे. तो ये सब सीखने की संप्राप्ति में आ जाएगी. गतिविधि या अध्ययन गतिविधि में आप जिस मेथड को यूज कर रहे हैं, आदर्श वाचन करके, वर्ड्स को बोर्ड पर लिख कर, मीनिंग बताकर, एक्सप्लेन करते हुए, चार्ट का प्रयोग करते हुए, ये सब गतिविधि मेथड